यस सर। ठीक है, पिछली बार हमने यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन एरर कर दिया था। इसका एक जीरो कॉमन निकालो, 100 से कट हो जाएगा तो नीचे बचेगा। 100 का एक जीरो कट हो गया, 99 × 10 बचेगा, दैट इज 990। यहाँ पर ये जीरो चले गए दोनों। 4 × 39 + 6 × 59 करोगे, ये कैलकुलेशन आएगी आपके पास। फाइनली आपके पास ये आ गया, प्रोबेबिलिटी बोथ आर इन सेम सेक्शन। प्रोबेबिलिटी बोथ आर इन डिफरेंट सेक्शन क्या होगी? सो 1 - 16/33, 16/33 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटे? योगिका, यस पूरा सर। कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, कुछ टीचर इस क्वेश्चन को ऐसे भी करवाते हैं, जैसे प्रायोरिटी बहुत सारे इन सेम सेक्शन। ठीक है, 40 C2 × 60, 40 C2 + 60 C2 / 100 C2। ठीक है, 40 C2 + 60 C2 / 100 C2। तो 40 C2 = 40 × 38 + 60 × 58 · 100 C2 · 2 × 98 तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, 40 × 39 / 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, +60 × 59 / यहाँ बचेगा 100 × 99। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, बट मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये समय ऐसे कैसे आया। 40 C2 का 40 में से कोई दो, 100 में से 2, मुझे तो ये कुछ समझ आया नहीं ये क्वेश्चन की लॉजिक। आपको समझ आया क्या कुछ? सर आपने क्या सीखा था एक बार दिखाना। मैंने किया था कि 40 स्टूडेंट का एक सेक्शन बनाना है, तो वो बन सकता है जिसमें दोनों स्टूडेंट्स को, इन दोनों स्टूडेंट्स को लेना है, तो वो हम 2C2 में कर सकते हैं। इन 2 में 98 में से कितने स्टूडेंट लेने हैं, 38 लेने हैं, तो 40 का सेक्शन बन गया। बचे अब 60 स्टूडेंट्स, वो 60 स्टूडेंट्स में से 60 ले लेंगे, तो एक सेक्शन बन जाएगा ये, जिसमें दोनों फ्रेंड 40 वाले सेक्शन में है। प्लस अगर हम अच्छा दोनों को 60 वाले सेक्शन में डाल दें, ठीक है, तो दो इस तो दो सर में, उसमें उसमें उन्होंने सिलेक्टिंग टू एट ए टाइम कराया फॉर 40 एंड फॉर 60, 40 C2 + 60, और फिर टोटल 100 अपॉन कितना है, अपॉन 100 C2 या 100 C40। 40 में से 2 स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट किए? मुझे भी नहीं समझ आया। जैसे आपने 60 स्टूडेंट का सेक्शन बनाना है जिसमें दोनों स्टूडेंट्स को डाल दिया, तो दोनों ये लोग ये लोगे, 98 में से 58 ले लोगे, तो टोटल आपके 60 का सेक्शन बन गया। इनटू में अब आपके पास 40 स्टूडेंट बचे, वो 40 C40 का सिलेक्शन करके दूसरा सेक्शन बना दिया। कितने भी से आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों स्टूडेंट 60 वाले सेक्शन में हो। वैसे आपको 100 में से सिलेक्शन करना है 40 और 100 का, तो 100 में से 40 आप 100 C40 वे में करोगे, बचे हुए 60 स्टूडेंट्स को आप 60 C60 में सेलेक्ट करोगे, तो 40 के और 60 के 2 सेक्शन बन जाएंगे। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज थे, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया था। 60 60 60 तो 1 ही होता है, छोड़ दो उसको, तो ये आएगा आपका 100 C40, हमने इसे 100 C40 से डिवाइड किया था। दूसरे पार्ट में 100 C60 से डिवाइड करना होता है, बट वो भी 100 C40 के बराबर ही होता है, इसलिए फिर मैंने दोनों का डिनोमिनेटर एक ही लिख दिया था। मैंने ऐसे किया था, ठीक है। आंसर इससे भी आता है, बट इसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, एक लॉजिक है क्या? मैंने जो तुम्हें करवाया वो RD शर्मा में भी दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार।
ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन बताना है आपको दोबारा युविका। यस देखो तीन लेटर हैं L1 L2 L3 और तीन एनवलप में इनको E1 E2 E3 में डालना है। ठीक है, तो टोटल हम कितने वे से कर सकते हैं ये? L1 को हम थ्री थ्री वे में डाल सकते हैं, L2 को हम दो वे में और L1 को हम एक वे में। टोटल सिक्स वेज में आप इनको डिफरेंट एनवलप्स सिक्स में, वे है सिक्स ना, इसमें कोई भी किसी भी यस एनवलप में जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये L1 का जो एनवलप है वो E1 है, उस पर वो एड्रेस लिखा है जहाँ पर L1 भेजना है। L2 का एनवलप, L2 का जो एड्रेस है, मतलब L2 जिस लेटर, L2 जिस एड्रेस पे जाना चाहिए उसका एड्रेस E2 पे लिखा है, सेकेंड एनवलप पे लिखा है, और इसी तरह E3 है। टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम फाइंड करें तो ये फर्स्ट लेटर को हम थ्री डिफरेंट वे से पोस्ट कर सकते हैं, सेकंड को टू डिफरेंट वे से, और थर्ड को वन डिफरेंट वे से पोस्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास सिक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे सिक्स हो जाएंगे। अब सिक्स वेज में हम ये लेटर पोस्ट कर सकते हो। अब उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट वन लेटर सही जाना चाहिए, तो एटलीस्ट वन का मतलब होता है वन या वन से ज्यादा लेटर सही पोस्ट हो। पहले हम ले लेते हैं कि वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस, वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस, एक लेटर सही एड्रेस पे जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? एक लेटर सही एड्रेस पे जाता है, एक लेटर को सही एड्रेस पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस, एक तीन लेटर सही तरीके एड्रेस, L1 अपने एड्रेस पे जा सकता है सही, L2 अपने सही एड्रेस पे जा सकता है, या L3 अपने सही एड्रेस पे जा सकता है। तो वन लेटर सही एड्रेस पे जाएगा। अगर एक ही लेटर को सही एड्रेस पे भेजना है ना, सर, इसका आंसर 4/6 था क्या? हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। हाँ तो या तो L1 सही एड्रेस पे जा सकता है, या L2 सही एड्रेस पे जा सकता है, या L3 सही एड्रेस पे जा सकता है। तो ये हो गया केस कि वन लेटर गोज टू राइट पर एड्रेस। अगर एक ही लेटर को सही एड्रेस पे भेजना है और हम फर्स्ट वाला केस लेते हैं, तो हमें L2 को कहाँ पर भेजना पड़ेगा? E3 पे, और इसको E2 पे। ठीक है, इस वजह से सिर्फ एक लेटर सही एड्रेस पे जाएगा। यस या इसमें हमें करना पड़ेगा कि L1 को हम L3 पे भेज दें और L3 को E1 पे भेज दें, तो इससे एक लेटर L2 है वो सही एड्रेस पे जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर हम L2 को E1 पे भेज दें और इसको E2 पे भेज दें, तो फर्स्ट वाले केस में भी सिर्फ एक लेटर सही एड्रेस गया, और सेकंड वाले में भी, और थर्ड वाले में एक एक लेटर सही एड्रेस पे, सही एड्रेस पे जा रहे हैं। तो ये थ्री वेज हो गए इन विच वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस, एग्जैक्टली वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस। यूवी का ठीक है। यस सर। अब हम केस लेते हैं कि टू लेटर गोज टू राइट एड्रेस, जैसे कि L1 E1 पे जाए, L2 E2 में डाल दें हम, तो फिर हमें कंपलसरी मतलब L3 को E3 एनवलप में ही डालना पड़ेगा, है ना? सर, अगर टू हम वेज इस, का कोई तरीका नहीं है ना, बेसिकली थ्री में हाँ ही होगा तो एग्जैक्टली टू वेज तो बनेगा ही नहीं, फिर तीनों ही सही हो जाएंगे। और एक ही तरीका है थ्री को, तो फिर और इसका एक ही वे है कि हम फोर हो L1 जाएंगे। L1 को हम E1 में डालें, L2 को E2 में डालें, L3 को E3 में डालें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वे आएगा। तो एटलीस्ट वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस, इसके कितने हमारे पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे? नंबर ऑफ वेज इन थ्री विच प्लस वन एटलीस्ट वन लेटर गोज टू राइट एड्रेस, ये हमारे पास 1 + 3 4 वेज बनेंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
इसकी 4 बाई टू अपॉन सिक्स, टू अपॉन थ्री, दैट इज 2/3, ठीक है, यही इसका यस। आंसर। और बताओ और क्या कर सकते हैं। तो हो गई मिसलेनियस। मिसलेनियस हो गई हमारी। डेरिवेटिव अच्छे से आ गया आपको?